सो गाइस, स्वागत करते हैं हम आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। बाकी मारो चेक, हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो चुका है और नए ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने की वहीं से जहां पिछला ब्लॉग हमने एंड किया था। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। बाकी हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से भाई पूरा अजमेर शरीफ दिखता है, अन्ना सागर भी पूरा का पूरा दिखता है। भाई ये आपको अजमेर शरीफ से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा एक पहाड़ी पर, वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। भाई इस पार्क में आए हम, देखते हैं अभी यहाँ से। ये मारो चेक महोदय बच्चे, पूरा अजमेर शरीफ यहाँ से दिख रहा है। भाई क्या व्यू है माशाल्लाह। सब कुछ देख दाख के भाई आ चुके हैं फाइनली हम अन्ना सागर देखने के लिए। तो अभी अन्ना सागर देख के फिर चलते हैं रूम में, फिर फ्रेश वगैरह होके चलते हैं ज़ियारत शरीफ पे। सो मारो चेक। ये भाई जन्नती दरवाज़ा अजमेर शरीफ में जो कि उर्स पे खुलता है सिर्फ, माशाल्लाह। ये है भाई वो कुआं जहाँ से पूरे अजमेर शरीफ में मतलब पानी जाता था, आज भी वैसे ही है। आज भाई हम सुबह निकलने वाले हैं, बाकी आज ही देग भी बन रही है लेकिन सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे, हमारी किस्मत में तो नहीं है। चलो अल्लाह सब को खिलाए भाई ये चीज़। शान भाई फर्स्ट टाइम इन ट्रेन, कितनी बड़ी बेइज्जती है मेरी, आज तक मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा हूँ बाबा। अभी हम भाई जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर नहीं भाई अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन 440। ये कंटीन वाला भाई सोया हुआ और शान भाई कर रहा है एंजॉय। शान भाई ने यहाँ पे ये शॉप नहीं ले लिया ठेके पे। शान भाई ये ठेके पे लिया आपने कंटीन? 540 इधर ही बता रहे। बस ठीक है। हम भी बैठे देखना अभी ट्रेन कैसे जाएगी। सो गाइस फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अभी रिक्शा ले लिया है भाई। तो चलते हैं होटल में सीधा, फ्रेश वगैरह होते हैं फिर शान भाई ने माल वगैरह भरना है भाई, तो मैंने फ़ोन भी लेना है। सो अपने काम वगैरह सारे करते हैं ख़त्म, उसके बाद शान भाई को चेकअप कराना वो भी करा लेते हैं। ये निकाला आपका? ये देखो भाई करोल बाज़ार मार्केट में हूँ भाई, सब बोल रहे हैं कि ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सब कवर की दुकान है, सब मोबाइल कवर है। चेंज करना पड़ेगा भाई, काला हो गया भाई। अभी आपको बताते हैं अपना रूम। ये लो जान भाई, रट सकी कर सकी स्कैन। उसको डालो इसके पिंच में, बत्ती आ गई। मेरी शक्ल सही नहीं है भाई,
मैंने नहाया नहीं है, कुत्ता बना हुआ ही। ये आ गया अपना रूम, इसमें अपना लगेज वगैरह जो भी है हमने रखा हुआ है। अभी बताते हैं अभी आपको थोड़ी। गाइस फिलहाल अभी आपका भाई हो चुका है रेडी, खाना खाने के लिए जाना है भाई बाहर। सुशांत भाई तो अभी लेटे हुए भाई। ये हमारा रूम और ये हमारे शान भाई यहाँ पे मस्ती में सोए हुए। अभी शान भाई अभी शॉपिंग वो मतलब दुकान का माल वगैरह भर रहे थे तो थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये हमारा अजमेर का बैग, ये हमने अजमेर से ख़रीदा था भाई। तो फिलहाल चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं भाई। रेडी हो गए हैं अभी, आके फ्रेश वगैरह हो लिया, अभी चलते हैं खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम कल परसों ही मेरे ख्याल है। आज नहीं निकलेंगे भाई, अभी दो दिन लग ही जाएंगे हमें यहाँ। चलो जो भी रहेगा आपके साथ करते रहेंगे शेयर। सो बाय बाय।